पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। लाहौर के डेरा चाह इलाके में रहने वाले एक सिख परिवार को जबरन घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि परिवार के मुखिया गुलाब सिंह के साथ हाथापाई की गई और उनकी पगड़ी तक खोल दी गई। सर मैनू ही निशाना बना के मेरा घर खाली किया गया, तुसी देख रहे हो मेरे सिर से पगड़ी भी नहीं है, मेरी पगड़ी भी खो के लग गए ने, तो मैनू वाले मेरे केस भी फूटे ने उन्होंने। गुरु प्यारी साध संगत जी मैं तुहाडे अगे अपील करदा मेरी वध तों वध मदद करो। हैरानी की बात ये है कि ऐसा सलूक उस इंसान के साथ हुआ जो पाकिस्तान का पहला सिख ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। इतना ही नहीं, गुलाब सिंह घर की चौखट पर खड़े और लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम यहाँ 1947 से रह रहे हैं। गुलाब सिंह शहीन ट्रैफिक वार्डन पाकिस्तान का पहला सिख पुलिस अफसर है। मैंने यह सलूक किया गया कि जेडे डाकू चोरा ना किया जा रहा है, मैनू मेरे घर तो कसीट के कटा गया तो मेरे घर नु ताले ला दिए गए। दरअसल ये मामला गुरुद्वारे की जमीन से जुड़ा हुआ है। गुलाब सिंह के मुताबिक मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाते हुए घर से बेदखल कर दिया गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी मैं तुहाडे अगे अपील करदा मेरी वध तों वध मदद करो, इस वीडियो नूं वी शेयर करो, पूरी दुनिया नूं दसो कि पाकिस्तान च सिखां नाल की जुल्म की ज्यादती हो रही है।